हिमाचल प्रदेश के अंदर मानसून के दौरान लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, परंतु इस बार मानसून के शुरू में ही ये घटनाएं घटी है, जो चिंता का विषय है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रोएक्टिव होकर काम किया। मानसून सत्र शुरू होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रदेश और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन कमेटियां हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, आप सब जानते हैं, प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में है और हर जिले में जिलाधीश डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में ये डिजास्टर मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटियां हैं जो काम करती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजास्टर को लेकर, आपदा को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, सबको इस दृष्टि से तैयार रहने के लिए कहा कि मानसून शुरू हो रही है, तो इसलिए ये जो घटनाएं हैं उस पर हमने एक्टिवली काम करना है। और उसका परिणाम भी देखने में आया, आप सबने देखा, चौपाल में 3-4 मंजिल की जो बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग में रहने वालों को 3 दिन पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि ये भवन असुरक्षित है, आप इसको छोड़कर चले जाएं। इसलिए भवन गिरने के बावजूद भी वहां कोई कैजुअलिटी नहीं। परंतु जो बादल फटने की घटनाएं, क्योंकि अभी तक उनका पूर्ण अनुमान नहीं लग पाता कब कहां बादल फट जाए, इसलिए पहले से कोई चेतावनी देना या पहले से लोगों को अलर्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता। परंतु बादल फटने की घटना के तुरंत बाद हमारा जिला पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी कुल्लू के मणिकरण के पास जो घटना घटी थी, मुझे जैसे ही पता लगा था, अभी सुबह के 7-7:30 बजे थे, तो हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था, तो राहत कार्य शुरू कर दिए थे, होमगार्ड के जवान बुला लिए थे। तो इस तरह जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो वहाँ का प्रशासन जो है एक्टिवली राहत कार्यों में जुटता है और राहत पहुँचाने का काम करते हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी पिछले 20 दिनों में ही हमारे 75 के करीब लोगों की मृत्यु जो है वो आपदा के कारण, कुछ एक्सीडेंट के केसेस हैं, कुछ ये बादल फटने से केसेस हैं, कुल मिलाकर इतने लोगों की जो मृत्यु हुई है। परंतु मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार, प्रशासन पूरी, जिसको कहते हैं, एक्टिवली इसको जो है राहत देने का काम करता है और आगे भी करता रहेगा। कल केंद्र सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने के निर्णय का स्वागत करती है। निश्चित रूप से इस निर्णय से इस देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। और हम सब जानते हैं, हमारी केंद्र सरकार ने इससे पहले भी कोरोना से लड़ाई लड़ने में ऐतिहासिक काम किया था। पहले तो रिकॉर्ड तो टाइम में वैक्सीन का निर्माण करवाया और फिर वैक्सीन के दो दो डोज समस्त देशवासियों को फ्री लगाए और फिर बूस्टर डोज लगाने के लिए कोरोना वॉरियर को, वॉलंटियर को सुविधा दी। और अब 18 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने का जो निर्णय हुआ है, मेरी अपील है समस्त जनता से कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन है उसका असर 6 महीने तक रहता है और अब फिर से धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी इस बूस्टर डोज को लगाएं और कोरोना के खिलाफ इस अंतिम लड़ाई पर हम जीत दर्ज करें। ये भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें
इसी तरह से लगातार देश हित, प्रदेश हित और जनहित में निर्णय ले रही। जब से हमारी सरकारें बनी हैं, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई नीति बनती रह रही है और उसका लाभ हिमाचल प्रदेश और इस देश की जनता को मिल रहा है। और इसी बात से बौखला कर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, तथ्यहीन बयानबाजी करके, निराधार आरोप लगा के वो अपने आप को तो सुर्खियों में बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता के बीच वो हास्य का पात्र बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, परंतु वो आलोचना तथ्यों पर आधारित